जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हो गया कि नहीं? पांडवों ने खेला था पर उनने मजबूरी में खेला था। धृतराष्ट्र ने कहा था बेटा युधिष्ठिर खेल लो, और युधिष्ठिर जी कभी अपने पे बड़े पिता की बात टालते नहीं थे, तो बड़े पिता ने कहा खेल लो, तो अब क्या करें। फिर उन्हें सजा भी मिली 12 साल का। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला था जुआ के कारण? कितने कितने वर्ष का? 12 वर्ष का वनवास। और क्या मिला था पांडवों को? 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये क्यों मिला था पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जुआ खेला इसलिए, और कौरवों का सर्वनाश हो गया क्योंकि उन्होंने जुआ खेला। आप लोग तो नहीं खेलते, खेलना मत, नहीं तो हालत कौरवों वाली होगी तुम्हारी। सर्वनाश। आजकल तो जुआ मोबाइल पर भी लोग खेल रहे हैं ऐप के द्वारा। ये सारा कुछ गलत है, सही कभी नहीं हो सकती चीजें। गलत को गलत रहने दीजिए, सही को सही रहने दीजिए। जुआ ना खेलिए वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश, क्योंकि कलयुग रहता है जुआ में। जहां जुआ होगा वहां बुद्धि भ्रष्ट, नाश। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, पानम बोले तो शराब। शराब, शराब पियोगे तो नाश हो जाएगा। बताओ शराब पीकर किसका नाश हुआ? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे, ये वाले फर्स्ट बताइए, शराब पीने से किसका नाश हुआ था? किसका हुआ? भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर चले गए और उन्होंने वारुणी का प्रयोग किया। भगवान ने यह मैसेज दिया कि वंश हमारा ही क्यों ना हो, यदि आपने शराब का सेवन किया तो आपका परिणाम अच्छा नहीं होगा, आपके लिए हितकारी शराब नहीं हो सकती, इसलिए शराब पीने से बचिए। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हम पीते नहीं हैं, दोस्ती यारी में हमारे दोस्त लोग कभी पिला देते हैं। अरे भाई जो तुम्हें शराब पिलाए वो तुम्हारे दोस्त थोड़ी है, वो तो तुम्हारे दुश्मन है। दोस्त होते तो तुम्हें शराब क्यों पिलाते? अरे दोस्त तो हम आपके हैं जो आपसे कहते हैं कि शराब कभी ना पीना वरना नाश हो जाएगा मेरे भाई। तो दोस्त तो हम आपके हैं जो आपके लिए सही बात कह रहे हैं। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त हो सकता? बोलो, आप पीते हो शराब? कह रहे थे ना आपके दोस्ती यारी में कभी कभी पी लेते हैं, है ना? आप भी पीते हो? सच्ची बताना, ये पीते हैं कि नहीं भैया? नहीं पीते? आप में से कोई पीता है शराब? आप पीते हो? दादाजी आप पीछे वाले दादाजी चश्मा वाले, नहीं? जो आपको शराब पिलाए वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े, जोर से, वो सबसे बड़े दुश्मन। इन दुश्मनों को घर में भी ना घुसने दिया करो, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ऐसे रिश्तेदारों से रिश्तेदारी ना रखा करो जो आपके शराब पिलाएं, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं। ऐसे रिश्तेदारों से भी रिश्तेदारी मत रखो, कुसंग का त्याग कर दो वरना कुसंग आपका नाश कर देगा। बताओ मंथरा ने कैकेयी माँ को बिगाड़ दिया कि नहीं? हाँ या ना? मंथरा ने कैकेयी माँ को बिगाड़ दिया। ऐसे ही तुम्हारे दोस्त यार तुम्हें बिगाड़ देंगे, ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का। इसलिए शराब ना पीना, कलयुग का स्थान है शराब में। शराब महापाप कहलाती है, 5 महापाप होते हैं। महापाप तो पाप होते हैं पर पाप से भी बड़ा महापाप, महापाप 5 होते हैं। कौन कौन से 5 महापाप कौन कौन से होते हैं जानते हैं आप लोग? आज मैं पहले बता दूं आपको,
मैं आप लोगों को कथा कम सुनाऊंगा, कथा का रहस्य और कथा का सार सार सुनाऊंगा, क्योंकि कथाएं तो आप सबको पता है। मैं केवल कथाओं के पीछे का जो मैसेज है, जो सार है, जो रहस्य है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तैयार हैं? सीधी सीधी कथा सुनाऊं आपको, समझ में कुछ ना आए। उद्देश्य कथा का ये है कि आपके जीवन में परिवर्तन होना है, बदलाव। यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, जब तक रहस्य नहीं समझेंगे आप उस कथा के पीछे का मैसेज, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, फिर गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे कपड़े दो। कन्हैया बोले नहीं देंगे, पहले ऊपर आओ और अपने हाथ से ले जाओ। तो भगवान ने कपड़े, गोपियां आईं, कपड़े लेकर चली गईं। ये तो हो गई कथा, कृष्ण ने कपड़े चुराए, गोपियों ने मांगे, भगवान ने दे दिए। ये तो हो गई कथा। इसके पीछे का रहस्य क्या है, मैसेज क्या है? कथाएं एक्चुअली कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। जब तक वो संदेश समझ में ना आए, तब तक कथा का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, इसका क्या रहा, इसके पीछे मैसेज क्या है? इसके पीछे का संदेश यह है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम निर्वस्त्र होकर स्नान मत किया करो। पब्लिक प्लेस में, नदी तालाब में आप निर्वस्त्र होकर नहाएंगे तो कितनी बड़ी मर्यादा भंग होगी। इसलिए निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता नाराज होते हैं। और स्वाभाविक भी है कि निर्वस्त्र होकर हमें नहीं नहाना चाहिए, पता नहीं कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है। इसलिए हमें कपड़े पहनकर ही तब पब्लिक प्लेस में नहाना चाहिए, और घर में भी, कमरे के अंदर भी, आप अपने वॉशरूम में नहाएं तो भी कपड़े पहनकर ही नहाएं, निर्वस्त्र तो वहां भी नहीं नहाना चाहिए। ये भगवान ने मैसेज दिया। तो कथाएं मैं आपको सुनाता चलूं और आपके एक समझ में ना आए, उसके पीछे का रहस्य, तो बात ठीक नहीं। इसलिए मैं आपको रहस्य समझाऊंगा, जो विशेष जानने की जरूरत है वो आपको समझाऊंगा, तो वो आप समझिए। इतनी देर में कुछ समझ में आया कि नहीं? किस किस को आ रहा है समझ में, हाथ उठा लो। आपको नहीं आ रहा है? कलयुग का पहला स्थान जुआ, दूसरा शराब, तीसरा शराब पियोगे तो सर्वनाश। इसलिए दोस्ती उन लोगों की कभी ना करो जो आपके ऐसे यार हों जो आपको शराब पिलाते हों, मजबूर करते हों। स्त्रिया, कलयुग का तीसरा स्थान द्यूतम पानम स्त्रिया। मैया नींद आ रही है मेरी माँ? नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको अच्छी। स्त्रिया कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। कलयुग का तीसरा स्थान क्या है, क्या है? जो व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, जो चरित्रहीन हुआ या हुई, उसका नाश। बताओ वो कौन था जो चरित्रहीन होने के कारण, पराई स्त्री पर नजर रखने के कारण सर्वनाश हो गया? कौन था वो, नाम बताओ उसका, कौन था? रावण। रावण जिसकी लंका सोने की थी, बड़ा पद था, बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ा नाम था, वो रावण जिसके यहां देवता थर थर कांपते थे, कर जोरे सुर दिशि विनीता भ्रगुटि विलोकत सकल सभीता, वो रावण जिसके यहां इंद्र भी आते थे तो कांपते थे। स्वर्ग में जाया करता था रावण तो देवता खड़े होकर के और इंद्र को बिठाया करते थे अपनी सिंहासन पर, रावण को बिठाया करते थे अपनी। ऐसा रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, जिसने दिक्पालों को जीत लिया, जिसने नाग लोक को जीत लिया, जिसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया, यदि हार गया तो केवल अपनी विषय वासना से हार गया और उस हार के कारण सर्वनाश हो गया। इसलिए चरित्र ना जाए साहा, वरना सब कुछ चला जाएगा। पराई स्त्री पराया पुरुष में मन ना लगाना, वरना यही कलयुग बैठता है, भ्रष्ट कर देता है बुद्धि। इसलिए पराई स्त्री और पराए पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना। ये कलयुग का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है? तीसरा, द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। क्या
मांस आप लोग खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, अंडा खाते हैं आप? आप अंडा खाते हैं? आप खाते हैं भैया? आप खाते हो? नहीं, आप खाते हैं? अंडा लोग खाते हैं, अंडा, मुर्गी, मछली, कुछ लोग तो बकरा बकरी भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, भैंस भी खाते हैं, सब खाते हैं। किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए करना सही कैसे हो सकती है? किसी मूक प्राणी को इसलिए मार दिया जाता है कि उसका मांस आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपका मांस भी तो शेर को अच्छा लगता है, तो अपना हाथ पांव काट के शेर को दे दो, भैया तू भी खा, तुम्हारा मांस। जो लोग कहते हैं हमें मछली अच्छी लगती है, जो लोग कहते हैं कि बकरा अच्छा लगता है या मुर्गा अच्छा लगता है, उनसे कहना कि तुम्हारा मांस भी शेर को बहुत अच्छा लगता है, क्या दोगे अपना? तुम भी दे दो, कोई देगा? चलो अपना एक हाथी काट के शेर को डाल दो, डालेगा कोई? अपना हाथ कीमती है, अपना शरीर में तो जरा रोटी बनाते समय हमारी माताओं को ना रोटी की भाप लग जाती है ना, तो बड़ी उंगली में जलन हो जाती है, तवे में धोखे से उंगली रख जाए तो 10 दिन तक जलती है। सोचो कि तुम्हारे इतना सा दर्द हो जाए तो इतनी पीड़ा होती है, एक कांटा लग जाए तो कितनी पीड़ा, और मुर्गी के पंख नोच दिए जाते हैं जिंदा, उसे मार के नहीं नोचा जाता, मुर्गी के पंख नोचे जाते हैं ना, मार के नहीं नोचा जाता, जिंदा जीते जी उसको सोचो उसके पंख नोच दिए जाते हैं। मछली पानी से निकाल दी जाती है, तड़पती है बेचारी, कितना कष्ट। लेकिन आप में से कुछ लोग निर्दयी हो गए हैं जो मांस खा करके अपना धर्म बिगाड़ रहे हैं। क्यों? क्या खाने को रोटी नहीं है? क्या खाने को भोजन 56 प्रकार का नहीं है? क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? क्यों? मत कीजिए मेरी मां, बुरे का परिणाम बुरा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर।